श्री वाहिगुरु साहिब जी। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जति अन मानबो। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचानबो। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई, दूसरो न भेद कोई, भूल भ्रम मानबो। एक ही की सेव, सब ही को गुर देव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। एक ही की सेव, सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुगे अटल सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो साहिबे कमाल दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरां दा प्रकाश पुरब मनाउंदे आ, जिथे आपां उन्हां दी अमृतमई पावन बाणी दी विचार कर रहे हां। अज जो सवैया आप जी ने हुणे श्रवण किया, गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरां दा उचारिया ये पावन सवैया 33 सवैया दे विचों एक है। इस सवैये दे अंदर जिहड़ियां रहमतां मेरे पातशाह जी ने बख्शिश कीतियां हन, जो वड्याईयां बख्शियां हन, की समझाया मेरे सतगुरां ने अज दे इस पावन सवैये दे राही, इह अज आपां विचारन दा यतन करना है। सतगुरु कृपा करन, विचारां दी आरंभता तों पहलां अपने मन अपने चित नूं करो एकागर, ते करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन सवैया जिदे अंदर मेरे साहब सच्चे पातशाह जी ने एक गल आखी के भाई हर मनुख जिहड़ा है असल दे अंदर इंसान ने अपने आप नूं धर्मां दे अंदर वंड लिया, मजहबां दे अंदर वंड लिया, इंसान ने अपने आप नूं जातां दे अंदर वंड लिया, हर तरीके दे नाल वंडी पा ली। जिस वेले इंसान ने अपने आप नूं भी वंड लिया, अपने रब नूं भी वंड लिया, ते फिर धर्म दे नाम दे उपर विवाद भी बड़े छिड़ गए, क्योंकि जिस वेले इतिहास पढ़दे आं ते दुनिया दे अंदर सब तो वध जिहड़ियां जंगां, सब तो वध लड़ाई जिहड़ी ओह धर्म दे नाम दे होई है। दुनिया दे अंदर जे सब तो वध इंसानां दा मानस जात दा कतल कीता गया, सब तो वध ओह सिर्फ धर्म दे वास्ते सी कि मेरा धर्म दुनिया दे अंदर रह जाए, ते बाकी दा कोई भी धर्म जिहड़ा इस दुनिया दे अंदर ना रहे। एक या मैं कहां कि हर इंसान की सोच है, जेड़ा मानस जात जेड़ा इंसान जिस धर्म नूं मानदा है उहदे मन दे अंदर यह गल पक्की हो गई कि मेरे धर्म तो चंगा कोई धर्म दुनिया दे अंदर दूजा मौजूद नहीं है, मेरे धर्म तो चंगा
या मेरे धर्म तो उच्चा धर्म कोई दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। धर्म अगे कर लिया गया, मानस जात मनुख नूं पिछे कर दिता गया, जबकि मनुख तो बिना धर्म जिहड़ा है वह पॉसीबल नहीं है। जे इंसान है तो धर्म है, जे इंसान ही नहीं है तो फिर धर्म कित्थों आएगा। हर इंसान के मन के अंदर यह गल बन गई कि मेरा धर्म चंगा है, मैं ही चंगा हाँ, जे मैं इस धर्म नूं फॉलो करता हाँ तो रब तक पहुँचांगा। भावें असी रोजाना बाणी के अंदरले बचन पढ़ते हैं, रोजाना मेरे साहब सच्चे पातशाह जी ने इस गल का जिक्र किया है, इस गल के बारे सानू दसिया है, समझाया है कि सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, कि सारे धर्मां के अंदरों श्रेष्ठ धर्म किहड़ा है। इस दुनिया के अंदर जिन्ने भी धर्म हैं उन्हां सारिआं धर्मां दे अंदर उत्तम धर्म किहड़ा है, ते मेरे पातशाह ने आखिया हर को नाम जप निर्मल करम। गुरु साहिबां ने कदे नहीं आखिया सी कि दुनिया के अंदर जो सब तो चंगा धर्म है तो सिख है। गुरु साहिबां दे कोई भी बोल नहीं, तुहानूं कोई भी बचन नहीं मिलेगा। मेरे सच्चे पातशाह ने आखिया जे चाहुणा है कि मैं सब तो चंगा धर्मी बन जावां, ते जे तू चाहना है, जे तू ये सुनना चाहना है कि दुनिया के अंदर सब तो चंगा धर्म किहड़ा है, ते पातशाह जी ने आख्या सी हर को नाम जप। असलियत है कि जिथे परमात्मा का नाम जपया जाता, परमात्मा की बंदगी की जाती, परमात्मा नूं मन्या जाता। ते दूसरा बचन गुरु साहब ने आख्या निर्मल करम, जिथे कर्म बड़े चंगे किए जाते हैं, कम चंगे। पहला परमात्मा की बंदगी, दूसरा है निर्मल करम। यह धर्म दुनिया के अंदर श्रेष्ठ है, पर हो की गया, किसी ने आखदे ने अपने आप नूं हिंदू बना लिया, किसी ने वैसे एक गल होर भी है, इंसान का अपना कोई धर्म नहीं होता, कोई नहीं। जिस घर के अंदर जन्म लै लिया, उस घर के लोग जिस धर्म नूं फॉलो करते ने, बच्चा भी अपने आप को उसे धर्म का ही मनन लग पैंदा है। इस हिंदुस्तान के अंदर खास करके की हो गया, अज मेरे गुरदेव पातशाह जी ने आख्या कहिंदे किसे ने अपना सिर मुंडा लिया, रामानंद दे चेले बन गए, किसे ने आखदे ने घर बार छड्ड दिता, संन्यास धारण कर लिया, उह संन्यासी बन गया। भावें गुरु साहब ने अपने पावन शब्दों के अंदर समझाया, रेमन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सबै कर समझो मन ही माहे उदासा। असल सन्यासी कौन है? पातशाह कहिंदे कईआं ने अपने सिर मुंडा लए, कईआं ने अपना सन्यास जिंदगी दे अंदर धारण कर लिया, घर बार छड्ड दिता, ते कईआं ने आखदे ने भगवें जे कपड़े पा ले, कन्न पड़वा के कच्च दीआं मुंदरां कन्नां दे अंदर पा लईआं, उह जोगी बन के बैठ गए। उह कहिण लग पए कि असीं जोगी हां। फिर बादशाह जी ने आखिया कहिंदे कोई हिंदू बन के बैठ गया, कोई तुरक बन के बैठ गया, इन्हां हिंदुआं ते तुरकां दे अंदर। फिर मेरे बादशाह ने आख्या कि तुरकां दे अंदर कोई राफजी बन के बैठ गया, शिया मुसलमान, कोई इमाम साफी बन के बैठ गया, भाव सुन्नी मुसलमान। राफजी ते इमाम साफी दो बचन ने तुरकां दे अंदर। गुरदेव बादशाह कहिंदे कोई शिया बन के बैठ गया, कोई सुन्नी बन के बैठ गया। हुण सुणियो असल विच की कहण जा रहे ने, कहिंदे कोई जोगी बन गया, कोई सन्यासी बन गया, कोई मूंड मंडा के बैठ गया, कोई हिंदू बन गया, कोई तुर्क बन गया, कोई राफजी बन गया, कोई इमाम साफी बन गया, पर इंसान किसी ने बनन का यतन ही नहीं किया। किसी ने इंसान बनन का कदे यतन नहीं किया, ना जोर लाया। पर पातशाह कहिंदे भलिओ असल दे अंदर जिहड़ी मानस की जात है ना, तुसीं अपनियां जातां छड्डो, असल दे अंदर जिहड़ी मानस की जात है वह एक है, चाहे वह हिंदू है, चाहे तुरक है, चाहे वह किसी भी धर्म नूं बिलोंग करता है, इंसान मेरे पातशाह ने आख्या एक है। वंडियां असीं जरूर धर्मां दे नाम दे उपर पा लईआं। हुण जदों धर्म की गल पढ़ते हैं ना, धर्म की भगत नामदेव जी का शब्द है, तो भगत जी ने आख्या हिंदू अन्ना,
तुरकू काना। ध्यान ना सुनियो, यह गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द है, मैं अपने को नहीं कह रहा। धर्म के नाम से जो हालात बन गए, धर्म के नाम से ते उसे अनुसार गुरु साहब ने आख्या हिंदू अन्ना तुरकू काना। अन्ने का भाव जिन दोनों अखा तो नहीं दिसदा, ते काने तो भाव कि जिन्हें एक अख तो दिसदा है जिन्हों एक तो नहीं दिसदा। क्यों? उसका कारण भी है। कहिंदे हिंदू अन्ना क्यों है? मेरे बादशाह ने आख्या कहिंदे 33 करोड़ देवी देवते बना के बैठ गया जो आबादी भी 33 करोड़ नहीं सी। पता नहीं चंद नूं पूजना, सूरज नूं पूजना, हर एक चीज जो इहनूं नजर आउण लग पई उहदे अगे सिर झुकाउण लग पए, दोनों अखां तों अन्ना हो गया। ते तुरकू काणा तां मेरे बादशाह ने आख्या कहिंदे इक अल्लाह नूं ते मन्नदा है ना, इक रब दी होंद विच ते विश्वास है, बाकी अगे वखरियां गल्लां ने, उहनूं काणा कहा गुरु साहिब ने। हिंदू अन्ना तुरकू काणा दोहां ते ज्ञानी, ज्ञानी दा अर्थ जिहदे नाम नाल ज्ञानी लग गया उह ज्ञानी नहीं है। जिन्हें ज्ञानी की पढ़ाई कर ली नाम ना लिया, मगर जी फलाना सिंह ज्ञानी। अजकल तो मेरे वर्गियां नूं भी नहीं पता होंदा कि ज्ञानी अगे लगता है कि पिछे लगता है। मेरे वर्गा नाम लिख लैंदा ज्ञानी परमजीत सिंह, समझ जाया करो कि उन्हें कुछ नहीं पता। जिदे कोल डिग्री है ना वह पिछे लगती है हमेशा नाम के पिछे, परमजीत सिंह ज्ञानी लिखा जाएगा, मेरे वर्गियां नूं पता ही नहीं होंदा। खैर सचे बादशाह जी ने आख्या जिन्हों ज्ञान मिल गया ना असल विच वह ज्ञानी, जिन्हें गुरु का रब का वाहगुरु का ज्ञान हासिल कर लिया। हिंदू अन्ना तुरकू काणा दोहां ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजै देहुरा मुसलमान मसीत। भगत नामदेव जी कहिंदे नामै सोई सेविया ज देहुरा ना मसीत। कहिंदे मैं ते उहनूं पूजदा जिहड़ा ना कल्ले मंदिर दे अंदर बैठा देहुरे विच, ना कल्ली मसीत विच बैठा, मैं तो उन्हों सिमरदा उन्हों पूजदा जिहड़ा कण कण दे अंदर वसिया बैठा है। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सुमेर पर्बत ते गए, सिद्धां नाल विचार होई, उन्हें एक सवाल पूछिया सी गुरु नानक साहब। उन्हें आख्या बाबा, बाबा नानक अत कच दे अंदर एक किताब लई फिरदा है, आसा हथ किताब कच्छ शब्द भाई गुरदास जी ने वरत्या। असल विच कच्छ दा भाव है कछमे मार के तुरना सी, आम पिंडां विच शब्द वरत्या जांदा सी, खत्म हो गए शब्द कछमे मार के। सिद्धां ने हाथ जोड़ के आख्या सी नानक जिहड़ी किताब तेरे कोल इहनूं खोल, इस किताब नूं खोल के सानूं दस हिंदू चंगा है कि मुसलमान चंगा है, कौन चंगा है दोनों विचों। पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। वाहिगुरु, ये भाई गुरदास जी के बचन ने। उन्हें आख्या कि गुरु नानक पातशाह नूं उन्हें पुछया सी पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, ते मेरे बाबे ने अगले बचन कहे सन, बाबा आख्या हाजियां ये हज जदों गए गुरु नानक साहब मक्के गए उदों दी घटना। ते बाबे ने अगले बोल कहे सन, बाबा आख्या हाजियां, उन्हें पुछया हिंदू वड्डा है कि मुसलमान, ते गुरु साहब ने आख्या शुभ अमलां बाजों दोनों रोई, ना हिंदू ना मुसलमान। जिदे कोल शुभ अमल ने ना, जिदे कोल चंगे कर्म हन, मैं बेनती कर चुकिया सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म वह श्रेष्ठ धर्म है, जिथे परमात्मा की बंदगी है ते निर्मल कर्म ने। शुभ अमलां बाजों निर्मल कर्म तो बिना मेरे पातशाह आख्या दोनों ही किसी काम दे नहीं, ना वह उच्चा है ना वह उच्चा है ना वह वड्डा है, कोई वड्डा नहीं। शुभ अमल जिदे अंदर ने वह वड्डा है। अज का जिहड़ा शब्द है ना, इत्थे मेरे पातशाह जी ने आख्या भी एक गल समझण वाली है कि जिहड़ी मानस की जात है ना, धर्म जे पासे कर दिते जाण, इह वखरेवें पासे कर दिते जाण, ते मानस की जात एक है, कोई फर्क नहीं है। मैं तां आरंभ विच शुरुआत इस गल तों कीती सी, इस दुनिया का इतिहास पढ़ोगे ना ते सब तों वध जंगां धर्म दे नाम इस्लाम ते ईसाईयत दीआं होईआं ने, सब तों वध जंगां इस्लाम दीआं ते ईसाईयत दीआं। हुण फिर सुणिओ, मैं एक होर बेनती करां, जे धर्म दे नजरिए तों देखिआ जावे ते इन्हां दोनां धर्मां दा इक्को ही प्यो है, इक्को ही। यहूदियां दे विच्चों इस्लाम बाहर निकलिआ, यहूदियां दे विच्चों ईसाईयत बाहर निकली, ईसाई धर्म बाहर निकलिआ।
इस्लाम भी यहूदियां तो निकलिया, ईसाई भी यहूदियां तो निकले, ते धर्म दे नाम ते सब तो वध जंगा करन वाले भी इह दोनों, दुनिया दा मानस जात दा कतलेआम करन वाले भी इह दोनों रहे। वो कह रहा है मेरा धर्म रवे, वो कह रहा है मेरा धर्म रवे। ते सच्चे पातशाह जी ने आख्या तुसी धर्मां दे बखरेवे तो बाहर निकल के इस गल नूं क्यों नहीं समझदे कि मानस की जात सब है एक है, पहचान वो एक है। मनुख जात मानस जात सब दे अंदर लहू एक जिहा, सब सारे आक्सीजन लेंदे ने, कोई किसी धर्म वाला खास कुछ होर थोड़ी ग्रहण कर रहा, ऑक्सीजन लै रहे ने, कार्बन डाइऑक्साइड छड़ रहे ने, सब एक जिहा। सब दे खून का रंग लाल है, मानस जात की गल कर रहे हैं, सब दे खून का रंग भी लाल है। मानस जात सारे साह लेंदे ने ते साह बाहर भी कढ दे, नौ द्वारे सारिआं दे हन, सब मानस जात दे नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया जिहड़ा सच्चे पातशाह जी ने आख्या। सब दे कान इत्थे ही लगे ने, भावें उह किसे भी धर्म दा है, अखां इत्थे ही लगियां। मानस जात असीं क्यों नहीं समझदे? धर्म दा वखरेवा इहो जिहा है नहीं सी, धर्म नूं डिफाइन करन वालिआं ने इह वखरेवे बना दित्ते ने। धर्म दे बारे जदों अज गुरु साहिब ने इसे शब्द दे अंदर संपूर्णता शब्द दी कीती ना, उदो आख्या भाई वह एक ही है, वो अंदर कोई फर्क नहीं। जो मेरे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दक्षण देश वाल जा रहे हैं, दक्षण वाल बादशाह नाल है, हिंदुस्तान का बादशाह नाल है, आगरे की धरती ते पहुंचे, क्योंकि बादशाह गुरु साहब नूं सत्कार बड़ा दिंदा सी गुरु गोबिंद सिंह जी। ते जिहड़े नाल दे ने, मैं एक दिन तुहानूं प्रसंग साखी सुनाई सी भगत प्रहलाद दी, कि हरनाक्ष ते मार दिता गया, प्रहलाद राजा बन गया, पर बाकी मंत्री संतरी ते उही ने ना। इत्थे भी जे औरंगजेब दी मौत हो गई ते मंत्री संतरी ते उही ने ना, सलाहकार ते उही ने, जिहड़े चाहुंदे ने कि दुनिया के अंदर इको धर्म रवे, उह इस्लाम है। इको ए दो तो एक करना चाहुंदे सन, पर गुरु गोबिंद सिंह ने तीजा तीसरा मजहब खालसा लिया के खड़ा कर दिता। खैर आगरे की धरती ते एक दिन बादशाह बैठा, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बैठे ने, हुण जिहड़े अहलकार मंत्री संतरी रोज सोचते ने कि कोई ना कोई बहाना इहो जिहा लभिया जाए कि बादशाह नूं गुरु गोबिंद सिंह दे विरुद्ध किया जाए। अज इन्हां ने स्कीम बना ली, सारिआं ने सलाह मशवरा कर लिया, पक्का कर लिया। जदों सारे बैठे ने ना सारे, इन्हां गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं पुछिआ, कहिंदे एक सवाल है साडे मन दे अंदर, एक शंका है जिहदा जवाब तुसीं दे सकदे हो। फिर सच्चे पातशाह कहिंदे दसो बई, कहिंदे सानूं एक गल दसो वी तुहाडा धर्म चंगा या साडा धर्म चंगा। असल दे अंदर एक कूटनीति दा सवाल है। इह सवाल जिहड़ा है ना, इह वेखण विच बड़ा आम जिहा लगदा है कि तुहाडा धर्म चंगा या साडा धर्म चंगा, पर सवाल कूटनीति दा सी कि जे गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दी खुशामद करदिआं कहणगे तुहाडा धर्म चंगा, ते फिर कहांगे साडे धर्म च क्यों नहीं आउंदे, ते जे गुरु गोबिंद सिंह कहणगे कि साडा धर्म चंगा है, ते फिर बादशाह नूं कहांगे तुहाडे धर्म दी तोहीन कर रिहा गोबिंद सिंह। किड्डा कूटनीति वाला सवाल है वी, गल ते गुरु गोबिंद सिंह नूं किसे तरीके नाल वलण नहीं है। कहिंदे दसो जी तुहाडा धर्म चंगा कि तुहाडा धर्म साडा धर्म। सच्चे बादशाह कहिंदे वी धर्म कोई माड़ा नहीं है, धर्म नूं जिहड़े चलाउण वाले ने ना, धर्म नूं जो डिफाइन करदे ने समझाउंदे ने, इह उहनां ते डिपेंड करदा है कि उह धर्म नूं तुहाडे सामने पेश किस तरीके नाल करके रख रहे ने, इहदे ते डिपेंड करदा है। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਹੈ, ਜੈਨ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ। ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਸਿੱਕਾ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੋਹਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਇਹ ਨਾ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਧਾਤ ਮਾੜੀ ਏ, ਇਹ ਧਾਤ ਖੋਟੀ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖੋਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਕੈ ਪਹਿਚਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਸੁਥਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਏਡਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਤੀਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਤੀਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਵੇਖੋ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਕੈ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਮਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਲ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਢਾਲ ਦਾ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ। ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਏ ਅੰਮੀ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਲਾ ਆਖ ਅੱਲਾ, ਅੰਮੀ ਨਾ। ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਾਲ ਨਾਲ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਕੈ ਪਹਿਚਾਨ, ਕਨਈਆ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ?
कौन है दुश्मन? मैं तो जिन्हों भी वेखदा मैनू उहदे अंदर गुरु गोबिंद सिंह नजर आउंदा, मैनू तो कोई दुश्मन नजर ही नहीं आउंदा। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਈਆ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਆ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਜਾੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਝ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਚੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋ ਭਇਓ ਮੁੰਡੀਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡੀਆ, ਮੁੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ, ਘੁਣ ਮੋਣ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋ ਰਾਫਜ਼ੀ, ਰਾਫਜ਼ੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਮਾਮ ਸਾਫ਼ੀ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ, ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫ਼ੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਬਈ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ, ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਹੀਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ, ਭੂਲ ਭਰਮ ਮਾਨ ਕੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਨਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੋਈ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਭੂਲ ਭਰਮ ਮੰਨ ਬੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਹੀ ਕੀ ਸੇਵ, ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਬੰਦਗੀ, ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ, ਸਭ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਹੀ ਕੀ ਸੇਵ, ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰਦੇਵ ਏਕ, ਏਕ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਨੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
कि भूगोलक स्थिति के अनुसार जिहड़ा ओ चेहरे का रंग ढंग काला चिट्टा सामला नक थोड़ा जिहा होर फिन्ना है कई देशों के अंदर कई कद छोटे हैं कई कद लंबे हैं ये जरूर फर्क है पर सच्चे पातशाह कहिंदे भाई एक ही स्वरूप सब है सारिआं दा स्वरूप भी एक है जोत जानबो ये बड़ी वड्डी गल है पातशाह कहिंदे सारिआं दे अंदर इको ही जोत है इको ही इको परमात्मा की जोत है सारिआं दे अंदर फिर कांदा फर्क फिर कांदा भेद अगे एक सवैये दे अंदर ना मेरे पातशाह ने बड़े कमाल दे बचन कहे ने इह वी इहदे नाल जुड़दा है जदों गुरु साहब ने आख्या एक है नैन एक है कान एक है देह एक है बाण इको जिहां अखां सारिआं दे लगियां ने एक है नैन एक है कान इको जे कन्न सारिआं दे लगे होए की फर्क है फिर दसो एक है देह इको जिहा शरीर है इको जी बोली है खाक बाद आतशो आप को रलाओ है खाक जमीन बाद अग्नि आतश अग्नि बाद पानी ने आप पानी वाहिगुरु कहण दा भाव है कि पंज तत्तां दे नाल सारे बने हन ते की फर्क इक पंजां नूं रला के कहण दा भाव इह आ कि पंज तत्तां नूं रला के एक है नैन एक है कान एक है देह एक है बाण खाक बाद आतश ओ आप को रलाओ है कि पंजां नूं रला के परमात्मा ने इको जिहा इंसान बनाया ते फिर फर्क की है ता ही मेरे पातशाह कहिंदे ने भलिओ ओ एक है रब एक है ते रब ने जो मानस बनाया है वह भी एक है उहदे विच भी कोई फर्क नहीं है जो मानस का भाव मनुख है इत्थे गुरु साहब ने मानस शब्द वरत्या है मानस कि मानस की जात सब है एक है पहचान वो भाई जिहड़ी मनुख की जात है ना मानस की जात वह एक है उहदे अंदर कोई फर्क नहीं कोई भेद नहीं ये गल जरूर है रूप रंग वखो वख हन पर मनुख सच्चे पातशाह ने आख्या भाई एक ही है सो सतगुरु कृपा करन समा समाप्त है इन्हीं को बेनतियां आप जी ने प्रवान कर लैनियां गुर शब्द गुर इतिहास की विचार करदियां होईयां बेअंत भुल्लां दी खिमा करो गुरफतेह दी सांझ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की